हल्द्वानी में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। गुरुवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी शहर के मिनी स्टेडियम में हॉकी का शुभारंभ करते हुए राज्य के विभिन्न जिलों से आए हॉकी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही एक बेस्ट गोलकीपर को अपनी तरफ से सम्मानित करने की घोषणा भी की। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि यह अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता है, इसमें राज्य भर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही जिस खेल मैदान में है हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है, उस खेल मैदान को और बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा 4 करोड़ की राशि की घोषणा की गई है, जिसके टेंडर भी हो चुके हैं और अगले साल इस मैदान की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई होगी। उन्होंने कहा है कि नशा और समाज की कुरीतियों से दूर रहना है तो बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करना होगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बताना चाहूंगा, एक तो सभी जिलों की टीम्स यहाँ पे हैं और कुछ स्पोर्ट्स स्टेडियम की टीम्स भी हैं। अंडर 17 का टूर्नामेंट है, 12 साल से ऊपर 17 से कम, बहुत अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टेडियम में हम खड़े हैं, इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है 4 करोड़ रुपए की, इसके टेंडर्स हो गए हैं, वर्क भी अलॉट हो गया है और 15 तारीख से यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा और 1 साल के अंदर ये खत्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छा स्टेडियम हम सब हल्द्वानी वासियों को बड़ी जल्दी मिलने वाला है। सर, आपकी तरफ से घोषणा की गई पहले गोलकीपर की? नहीं, मैंने घोषणा की है कि जो जितनी भी टीम्स यहाँ पे आई हैं उसमें, क्योंकि हमारे सम्मानित रावत जी भी यहाँ पे हैं जो ओलंपियन हैं और भी यहाँ पे कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो एक तरह से जज करेंगे कि बेस्ट गोलकीपर कौन है। उनको मैं पर्सनली अपनी ओर से कुछ गिफ्ट करना चाहूँगा।